भाई जय भोलेनाथ की। भाई दोस्तों अभी हम हरिद्वार हर की पौड़ी के पास और आप पहले तो गंगा मैया के दर्शन कर लो और इसी के साथ भाई डाक कावड़ की तैयारी हो गई है। तैयारी दिखा देता हूँ। आज है 14 फरवरी और 14 फरवरी को भाई डाक उठ रही है। आप सोच रहे हो 3 दिन पहले इतनी जल्दी क्यों? भाइयों से जानेंगे इतनी जल्दी क्यों कावड़ उठाने का रीजन क्या है। तो भाई मेरे साथ है फिलहाल ये है भाई भोले। पहले तो बोलो भाई शंकर भगवान की जय। तो भाई ये भोले हैं और डाक कावड़ भाई ये तैयारी कर रखी इन्होंने। तो भाई डाक आज ये लेके जाओगे, इब्बे लेके जाओगे, कतीब भाई मतलब मानना नहीं है, 3 दिन पहले ले जानी है। तो कद आए थे बोले? परसों। घूम फिर लिए बढ़िया दरिया, नहाना धोना हो गया, गंगा स्नान कर लिया, डीजे डाजे का क्या प्रोग्राम है? गांव जाके यहाँ नहीं लेकर आए साथ में? अच्छा रास्ते में है ना, मतलब धूम धड़ाके तो जाने वाली है। कितने बोले हो साथ में? 7-8। बाइक कितनी है? एक बाइक 7 बोले, ना इंसाफी सी है पर कर दोगे काम ने। तो भाई इतने दिन पहले कावड़ ले जाने का रीजन क्या है अपना? 3 दिन है, 3 दिन मतलब कितना किलोमीटर पड़ा है? घना ज्यादा है इसलिए 550 है, तो मतलब इसलिए 3 दिन ले लिए। तो फिलहाल जो है जल 18 न चढ़ाओगे रात ने, है ना? तो 3 दिन है, कितना किलोमीटर पड़ा अपना? 550। कौन सा गाँव है भाई? हरियाणा में सिरसा दौरे, कौन सा? ब्याना खेड़ा, म्याना खेड़ा, म्याना खेड़ा के हैं भाई। और बोला ना तैयारी कर दी है। तो जल भर के क्या बजे ही निकलोगे? 5-7 मिनट में भाई बोले निकलने वाले हैं। और भाई डाक कावड़ तैयार हो गई है। कौन सी कावड़ है बोले? पहली है, दूसरी है, तीसरी है या छठी? यार भैया की अच्छा, तो अच्छा एक का भाई पहली बार आए हैं, बाकी आ रहे हैं। तो भाई सामण में भी आया करो कि हो या इसका जोटा मारा करो? सामण में भी और इबकी में भी, दोनों में मतलब दो बार बोले ने खुश करने का ठेका ले रखा है, मतलब बोले राजी करना है करना है। बोले शंकर भगवान की जय। तो भाई बोले बाबा इनकी मनोकामना पूरी करे, यात्रा को सफल बनाए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।